हेलो फ्रेंड्स, ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बेहतरीन कंडीशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आप कोरोना से बचे होंगे और अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और सबको भी बचाया हुआ होगा। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक की लपेट में है और बहुत ज़्यादा जो है वो फेस कर रही है। बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं डेली की बेसिस पे और बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ रिकवर हो रहे हैं लेकिन बड़ी ख़तरनाक, स्पेशली इंडिया के अंदर इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। इसका डेली कई केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में डेथ्स हो रही हैं। जो डेथ हो रही हैं उनके पास कोई जा भी नहीं रहा, कब्रस्तानों में जगह नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है और लकड़ी ख़त्म हो चुकी है मर्दों को जलाने के लिए, और ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, मेडिसन ख़त्म हो चुके हैं, मास्क ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे मजीद मसाइल का सामना। यहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के का कंपेरिज़न करेंगे। इंडिया में ताहाल 1,79,88,637 और पाकिस्तान में 8,04,939 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से इंडिया में 2,01,165 अफराद डेथ हो चुकी है और 17,329 डेथ पाकिस्तान में हो चुकी हैं। 1,48,07,704 रिकवरीज इंडिया में हो चुकी हैं और पाकिस्तान में 6,99,000 पाँच या छः को लगती है। कोविड में हमने ये देखा कि ICU में एटलीस्ट जो हमारे पास पेशेंट है वो सब वैसे हैं जिनको सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। जी, मज़ीद बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्लोज्ड केसेस 1,50,08,869 हैं और पाकिस्तान के अंदर 7,17,145 क्लोज्ड केसेस हैं। आप नीचे टोटल रिकवर्ड का भी देख सकते हैं और डेथ्स का भी देख सकते हैं कि परसेंटेज पाकिस्तान के अंदर 2% ऑफ टोटल अफेक्टेड केसेस है डेथ रेट जो है, और इंडिया के अंदर सिर्फ 1% है डेथ रेट। लेकिन ये 1% भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान का 2% भी बहुत ज़्यादा है। हम किस तरह बच सकते हैं? समाजी फासला रख के बच सकते हैं, सलाम जो है वो मुँह से कह सकते हैं, हाथ मिलाने से परहेज़ करके हम बच सकते हैं, हम जो है वो मानिका से बच के कर सकते हैं, हम ईद की शॉपिंग जो है वो पेंडिंग करके कर सकते हैं, और अपनी हिफाजत आज करेंगे तो कल को हम पता नहीं कितनी शॉपिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डेली न्यू केसेस के हवाले से जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो बेहतर ये है कि अपनों का जो ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो बहुत मसाइल बन सकते हैं।